कि भाई अगर आप सबसे पहले नेटवर्क सुनते हो तो सबसे पहले क्या मन में आता है? भाई नेटवर्क का मतलब होता है कि आपको तीन चार लोग हैं आपके पास और आपको सोचना है कि इन दोनों के बीच में मेल जोल कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई यही होता है नेटवर्क, और जो है इसी के बारे में हमें पढ़ना है, मेल जोल बढ़ाने का। लेकिन जो है अब इसी नेटवर्क को हम जो है लाते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कंप्यूटर की भाषा में नेटवर्क क्या होता है। तो आइए जो है सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये जो हमारा नेटवर्क है वो बनता कैसे है। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि आप सपोज़ आपने उठाया है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप से आप जो है दो लोगों आप चैट कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपका एक तरह से नेटवर्क मॉडल है। और कैसे बनता है ये आप ना खुद बताओगे, मैं आपको केवल और केवल पहले जो टेक्निकल टर्म्स जो इसमें यूज़ होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है आप लोग खुद जान जाओगे, समझ जाओगे, मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई पहले देखते हैं कि जो है क्या है हिसाब किताब। आप जो है व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है, अब आप देख रहे होते हो कि चैट जो है अब आती है आपकी इंक्रिप्टेड आती है ना, ठीक। आप एक मैसेज भेजते हो, सपोज़ सुरेश को भेज रहे हो, आप हो सुरेश, भेज रहे हो आप किसी रमेश को, इनको जो है मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। किसके थ्रू भेज रहे होते हो आप, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, नेट कनेक्शन चाहिए होता है। सुरेश के पास क्या चाहिए होगा, पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले सुरेश के पास भी चाहिए होगा एक मोबाइल, ठीक है, रमेश के पास भी चाहिए होगा एक मोबाइल, उस मोबाइल में चाहिए होगा सबसे पहले व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, और इसमें भी चाहिए होगी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, चाहिए होगा ना। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होने के बाद इसमें भी चाहिए होगा इंटरनेट, इसमें भी चाहिए होगा इंटरनेट। फिर जब आप मैसेज भेजोगे तब ये जो है इसके पास और फिर इसके पास जो है पहुँच जाएगा। अब जो है कंप्यूटर क्या कहता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, भाई ये जो है आपका बिल्कुल सिंपल सा जो ये चीज़ है मोबाइल, ये आपका होता है टर्मिनल, ये होता है आपका टर्मिनल, ठीक है। ये जो नेटवर्क है जिसके थ्रू आप जो है ट्रांसमिशन कर रहे हो इसको कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया या चैनल, ठीक। अब आपको व्हाट्सएप चाहिए होता है ना, इसके अंदर ये व्हाट्सएप चाहिए होता है, ये क्या होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। भाई अगर जो है व्हाट्सएप नहीं होगा आपके मोबाइल में तो आपके पास मैसेज आएंगे नहीं आएंगे, तो इसके लिए चाहिए होता है टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अब जो है ये व्हाट्सएप आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, मतलब आपके ऊपर डिस्प्ले होगी ना व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप क्या करेगा डिस्प्ले करेगा आपके मोबाइल पर, उसके लिए प्रोसेसिंग होगी। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है कि भाई ये जो मीडिया होती है आपकी और ये जो कंप्यूटर होता है इन दोनों के बीच को कनेक्ट करना होता है हमें, और इसके लिए एक डिवाइस होती है, ये डिवाइस इनको कन्वर्ट करती है, इसी डिवाइस को कहते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर। ये होता है उसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने एकदम सरल शब्दों में आपको बता दिया कि भाई कैसे बनता है। चलो आपको फिर से, आपको अगर आपको नहीं समझ में आया मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब चलो आपको जाना है, ये ना बिल्कुल सिंपल शब्दों वाला है एग्जांपल। आपको दिल्ली से जाना है सपोज़ सूरत या कहीं भी जाना है, आप गए दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक, एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पे कौन से टर्मिनल पे जाओगे, टर्मिनल वन या थ्री, तो गए थ्री, यहाँ भी होगा कुछ ऐसा ही, टर्मिनल थ्री पे आप गए, वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग इन द सेंस कि भाई सिक्योरिटी चेकिंग और वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। आपको दिल्ली से सूरत जाना है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया किससे जाओगे आप, बाय एयर से जाओगे, ठीक। अब इस एयर को चला कौन रहा होगा, पायलट चला रहा होगा। अब भाई बिल्कुल सिंपल सा समझना, आपको जाना कहाँ से, दिल्ली से सूरत, दिल्ली से सूरत जाना है, ये होता है सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन, या सूरत से दिल्ली आना है तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन को कहते हैं हम टर्मिनल, ठीक, कंप्यूटर की भाषा में अब आपको समझा रहे हैं। एयरपोर्ट में जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, कंप्यूटर के भाषा में उसको क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर। आपने पहले से ही, आप दिल्ली से सूरत जा सकते थे,
ट्रेन से जा, रेल से जा सकते थे, बस से जा सकते थे, बट आपने पहले ही बाई एयर कर रखा है, मतलब मीडियम आपने पहले ही बना रखा है क्या, एयर। ये आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज में हो गया टेली कम्युनिकेशन मीडिया, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। और पायलट क्या हो गया भाई, पायलट ही तो कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंट्रोलर, इसी को कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोलर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल कैसे काम करता है और कैसे होता है। मैंने दो एग्जांपल दिया, दोनों एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दिया आपको। इसमें हम बात करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भाई होते कितने तरह के हैं। चलो इससे पहले मैं आपको वही सारी चीज़ें बताता हूँ कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई व्हाट्सएप है आपका, आप जो है चैट कहाँ कहाँ कर सकते हो, सिटी के अंदर कर सकते हो, स्टेट के अंदर कर सकते हो, या जो है भाई किसी US या ब्राज़ील या कहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो एक हो गया आपका कि आप एरिया के बेसिस पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, एरिया बेसिस पे, ठीक है। अब अगर आप व्हाट्सएप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो या अभी स्टार्ट किया है यूज़ करना, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि आप कैसे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके क्या व्हाट्सएप का क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है व्हाट्सएप, या तो जो है पर्सनल चैट कर सकते हो या भाई ग्रुप में चैट कर सकते हो। ग्रुप चैट में क्या होता है, एडमिन्स होते हैं, ठीक है, एडमिन्स। अगर आप पर्सनल पर्सनल चैट कर रहे हो तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में से कहते हैं पीयर टू पीयर। ग्रुप में चैट कर रहे हो तो भाई इसी को कहते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। देखो है ना कितना मजाक, बढ़िया सा एकदम। क्लाइंट कौन हो गया भाई, एडमिन। सर्वर कौन हो गया, जो ग्रुप के मेंबर्स हो गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो, क्योंकि भाई एडमिन का काम क्या है कि हम जो है मैसेजेस ऐसे भेजें कि जो मेंबर हैं वो बने रहें, मेंबर बने रहें और ग्रुप जो है चलता रहे। ग्रुप चलाना है तो एडमिन क्या हो गया इस केस में, एडमिन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है कि ग्रुप अच्छे से चलता रहे। और क्लाइंट कौन हो गया, ग्रुप के मेंबर्स हो गए। अब जो है क्लाइंट एंड सर्वर का ही एक पार्ट है मल्टी टीयर, इसी को मल्टी टीयर भी कहते हैं। अब इसमें ना बिचौलिया आ जाता है, मल्टी टीयर इसमें जो है बिचौलिया आ जाता है, मतलब मीडिएटर आ जाता है। इसमें कितने तरह का मीडिएटर हो सकता है, इसी लिए इसका नाम पड़ गया मल्टी टीयर। आप मेरे ये सब बताने को आप समझ रहे होंगे कि भाई ये आप बता क्या रहे हो, अभी तक कुछ टेक्निकल नहीं आया, लेकिन हमको तो ये पता है कि भाई जब तक टेक्निकल लिख के नहीं आओगे नंबर नहीं मिलेगा भाई। अब यहीं पे तो आ जाती है दिक्कत, दिक्कत ये आ जाती है कि आप लोगों को लगता है कि आप रट के जो है लिख के चले जाओगे। भाई कैसी बात कर रहे हो आप, 5 चैप्टर जो है एज इट इज़ रट के तो आ ही नहीं सकते। तो भाई यही है हमारा पर्पज़ कि आपको पहले मतलब पता हो यार। बाकी छोटे छोटे वीडियो हैं, 6-6, 7-7 मिनट के, 8-9 मिनट के, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है भाई आपको लगेगा 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा इतने बड़े चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, जिसमें से लगभग 10 से 12 नंबर का पेपर आता ही आता है। तो यही बस एक मुद्दा है हमारा। आप सोच रहे होगे कि मेरा क्वालिफाइड हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कंटेंट लेकिन बिल्कुल समझ में आ गया, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलो अब आपको इतना बोलने के बाद मैं बता दूं कि भाई अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ना वो आपको पता है। अब जो है क्या है क्लासिफिकेशन, आपने फेसबुक यूज़ करा ही होगा, सब लोग फेसबुक यूज़ करते हो, ठीक है। फेसबुक पे आप क्या करते हो, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो, फोटोज़ स्टेटस डालते हो। उसमें तीन तरह के होते हैं आपके, तीन प्राइवेसी होती है, एक होती है पब्लिक या फ्रेंड्स, या होती है ओनली मी, एक और कैटेगरी होती है फ्रेंड्स विद फ्रेंड, इसको किनारे रखो। तो भाई जो पब्लिक किस लिए होती है कि आप पब्लिकली दिखा सको, पब्लिक भी देख सके। ओनली फ्रेंड्स करोगे तो कितने, कौन कौन देख पाएगा, केवल फ्रेंड्स देख पाएंगे। ओनली मी करोगे तो केवल आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसी को कहते हैं, पब्लिक वाले को कहते हैं पब्लिक डेटा नेटवर्क, फ्रेंड वाले को होता है प्राइवेट डेटा नेटवर्क, और ओनली मी जो आपकी प्रोफाइल है वो होता है वर्चुअल। मतलब भाई आप दुनिया से वास्तविक ही नहीं हो, आपको मतलब दुनिया को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है ये फोटो या नहीं, तो ये क्या हो गया वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है, जो असली में एग्जिस्ट ना करता हो, नॉट रियल, वही तो होता है। अगर आपने जो है प्रोफाइल नहीं डाल रखी है, लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि ये रियल है या नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन, और मैंने पूरा एग्जांपल दिया है आपके केवल और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप से, जो दिन भर आप लोग एटलीस्ट यूज़ करते होंगे। तो भाई यही है तीन तरह की क्लासिफिकेशन नेटवर्क मॉडल की। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, राइटिंग के लिए माफ़ करना, बस केवल बात पर सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना वहाँ पर, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भाई तीन तरह का क्लासिफाइड है आपके में, एक है आपका एरिया के बेसिस पे, एक है फंक्शनल के बेसिस पे, और एक है ओनरशिप के बेसिस पे। एरिया का और फंक्शन दोनों का एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप से दिया था, ओनरशिप का एग्जांपल मैंने दिया था
आपका उसे फेसबुक से। एरिया में जो है होता है वो होता है लैन, मैन और वैन, ठीक है। फंक्शन में जो होता है आपका वो होता है आपका क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और मल्टी टीयर। ओनरशिप में आपका होता है क्या क्या बताया था मैंने, ध्यान करो जल्दी जल्दी, पब्लिक, प्राइवेट और जल्दी जल्दी जल्दी, प्राइवेट और वर्चुअल, ठीक है। अब चलो इसको जरा थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। तो भाई एरिया के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे सबसे पहले आता है लैंड, ठीक है। इनका भाई साहब ये कहते हैं कि भाई हम केवल और केवल जो सोसाइटी का ग्रुप है ना, सोसाइटी बस उतने तक रहेंगे, सोसाइटी तक रहेंगे। उसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये केवल केवल और केवल एक बिल्डिंग में काम करता है। इसकी भाई जो होती है रेंज ये होती है कम, सबसे कम होती है। मैन क्या होता है, इनका हिसाब किताब काफ़ी अच्छा है। ये कहते हैं हम पूरे सिटी वालों के साथ नेटवर्क ले सकते हैं, ठीक है। और वैन का क्या होता है भाई हिसाब किताब, वैन वाले कहते हैं कि भाई दुनिया जहाँ में कहीं भी हम जो है बातचीत कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। लो भाई हो गई बात, ठीक है, ये हो गया वैन। वैसे विद इन कंट्री होता है ये, ठीक है। अब जो है, अब आप कह रहे हो गए कि भाई ये तीनों हो गए तो इनको में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, चलो आपको अब दिखाते हैं डिफरेंस क्या है तीनों में। डिफरेंस हम कुछ भी नहीं, केवल देखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ होता है। एक हो गया भैया आपका लैन, एक हो गया मैन और एक हो गया वैन। ये जो साहब हैं आपके मैन वाले, ये जो है ये इनका कोई काम धाम नहीं है। इनका जो है मतलब बेसिक पर्पज़ ये है कि भाई ये जो है इन दोनों के बीच का काम करते हैं। अब लैन क्या है ना, ये रेंज कम है, ठीक है। रेंज कम होने की वजह से भाई इनकी स्पीड क्या होती है, ख़तरनाक होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है। फिर लैन को मिला के बना देते हैं मैन और मैन में काफ़ी सारे जोड़ के फिर बना देते हैं वैन। मतलब अल्टीमेटली फंक्शनिंग लैन की ही हुई होती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, थोड़ा सा अलग लगेगा, डिफरेंस दिया हुआ है आपका प्रैक्टिस मैनुअल में, उसको रेफ़र कर लेना। फिर इसके बाद जो है आता है फंक्शन के बेसिस पे, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये ना बहुत ही टेढ़ा है, ये बहुत ही टेढ़ा इस वजह से है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि आप पर्सनल चैट कर रहे हो, पर्सनल चैट कर रहे हो मतलब वन टू वन बेसिस पे आप कर रहे हो। अब वन टू वन बेसिस पे कर रहे हो तो भाई अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी, और क्या आपकी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी। आप केवल दो लोग में बात कर रहे हो तो भाई कितना सिंपल होता है ना दो लोगों में बात करना, ठीक है। तो ये हो गया पीयर टू पीयर आपका कि क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, और पूरी दुनिया इसी पे ही काम करती है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। आप अपने कंप्यूटर में देखना, उसमें भी सब वही यूज़ हो रहा होगा। सबसे पहले आपको क्लाइंट एंड सर्वर बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है, और बताया था आपको किसके एग्जांपल से, व्हाट्सएप के ग्रुप के एग्जांपल से। सर्वर कौन था इसमें, भाई एडमिन था, जो इनकी नीड, इनकी किसकी, मेंबर्स की, जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे इनकी नीड्स को पूरा कर रहा था जिससे कि ये बना रहे, ठीक है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में आके देखते हैं कि क्या होता है क्लाइंट। क्लाइंट भाई साहब क्या होता है, क्लाइंट होता है वो जो बंदा आपकी बिजनेस की नीड को सेटिस्फाई कर सके, बिजनेस की नीड मतलब आपकी जो है जो भी नीड है बिजनेस की वो सेटिस्फाई हो सके। सर्वर कौन होता है, जो इसको सर्विस प्रोवाइड करे। सिंपल सी चीज़ है भाई, सर्वर सर्विस, सर्विस से बना है सर्वर, ठीक है। अब क्लाइंट और क्लाइंट के ना तीन चार टाइप होते हैं, क्लाइंट के तीन टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होता है, फैट, थिन और थिक, सॉरी फैट, थिन और हाइब्रिड। अब मैं जो है आपको एकदम सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब फैट लोग क्या होते हैं भाई, होते हैं आलसी, क्या होते हैं आलसी, उनमें आलस भरा होता है। अब भाई इसने ये कहता है कि भाई अब यार कौन उठे कौन जाए और कौन सर्वर से काम कराए, तो जो ये फैट वाले हैं ना ये कहते हैं सारा काम ये खुद कर लेता है, ठीक है। थिन वाला क्या होता है, ये भाई होते हैं फुर्तीले, ये होते हैं एक्टिव बंदे होते हैं, ये नाच नाच के ना बड़ी होशियारी से अपना काम कर्म करते हैं, सर्वर से काम ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड का मतलब तो आपको पता ही है, दोनों का मिक्सचर। अब ये ना मोर और लेस जो है मोटा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा होशियारी होती है थिन वाले की, मतलब कि भाई ये कहता है कि काम तो फैट वाला क्या कर रहा था, काम खुद कर रहा था, लेकिन स्टोर कौन करेगा, स्टोर करेगा सर्वर। कह रहा काम तो चलो मैं कर दूंगा, लेकिन स्टोर किसको करना होगा, तुमको करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लाइंट। ऐसे ही सर्वर के तीन चार टाइप हैं, वो आप देख लेना, बहुत आसान से इजी से समझ जाएंगे आप लोग बहुत ही आसानी से।
अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, और ये जो है फंक्शनल का लास्ट है, और वो है मल्टी टीयर। अब मल्टी टीयर को मैं बहुत ही आराम से आपको समझाता हूँ। अब मल्टी टीयर में जो है पहले समझ पहले इनका दिया हुआ है सिंगल, टू, फिर थ्री, फिर एन नंबर ऑफ टीयर, ठीक है। और सबसे पहले समझे सिंगल टीयर। भाई टीयर का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूँ, टीयर का मतलब होता है नोड, टर्मिनल, या इसी को कह सकते हो आप कंप्यूटर। सिंगल का मतलब एक, मतलब इसमें भाई एक कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है, वही सारा काम करता है आपका, वही स्टोरेज का काम करता है, वही प्रोसेसिंग का काम करता है, वही सारा काम करता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो क्या केवल एक का एक कंप्यूटर काम कर रहा होता है? नहीं। इसीलिए ये जो है प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। प्रैक्टिकली अप्लाई कौन सा होता है? क्लाइंट एंड सर्वर। तो अब भाई हम इसको चलो बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर में, मतलब कि ये केवल एक कंप्यूटर था, अब इसको हम कैसे बना सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर में, और चलो दिखाते हैं। इसलिए इसमें कर दिया, अब आ गए हम टू टीयर पर। अब मतलब कि ये एकदम छोटा कंपनी थी, अब ये थोड़ा सा भाई ने कमाई कर ली, अब जो है इसने क्या करा, एक कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है, और एक और चीज़ खरीद ली जिसको कहते हैं सर्वर। सर्वर खरीद ली भाई ने। अब सर्वर का काम इसने क्या करा, कहा कि भाई देखो प्रोसेसिंग हम कर लेंगे और स्टोरेज तुम कर लेना। मतलब कि आपने एप्पल का लैपटॉप ख़रीद लिया है, 128 GB जिसमें वो है डेटा स्पेस, और 128 GB तो भाई केवल सी ड्राइव में हो जाती है। आपने स्टोरेज के लिए ख़रीद लिया है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ख़रीद लिया आपने, वो हो गया आपका सर्वर, ठीक है। तो टू सिस्टम हो गया, देखो हो गया भैया आपका टू टीयर। अब समझते हैं कि थ्री टीयर क्या होता है। थ्री टीयर यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ होता है? थ्री का मतलब तीन चीज़ें, तीन चीज़ें, तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं कंप्यूटर में? एक होता है भाई इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तीन चीज़ें यही होती हैं ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसीलिए तो जो है कंप्यूटर आया। अब जो है भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है बहुत होशियारी से काम किया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अब इसको जो है स्टोरेज करते हैं हम, इसलिए कंप्यूटर आया। माफ़ करना मैं लिखना भूल गया था। इन्होंने बहुत होशियारी से काम क्या किया, इन्होंने करा कि जो है भाई अब हम एक कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मॉनिटर, एक होता है सीपीयू, और इसी में लगी होती है आपकी हार्ड डिस्क, एसएसडी हार्ड डिस्क, ये हो गया आपका सीपीयू, और ये होता है आपका मॉनिटर। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है तीनों पे बढ़िया बढ़िया अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आएंगे, हम असेंबल कराएंगे और इन पे अलग अलग खर्चा करेंगे। तो अब जो है जो ये आपकी ये चीज़ होती है ना मॉनिटर, ये आपको क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट क्या करता है, आउटपुट को, आउटपुट को प्रेजेंट करता है, इसलिए ये होती है प्रेजेंटेशन लेयर। सीपीयू क्या करता है आपका, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करते समय क्या लगाता है वो, कंप्यूटर के कुछ एल्गोरिदम लगाता है, एल्गोरिदम मतलब कुछ प्रोग्राम रन कराता है, प्रोग्राम रन करा रहा है ना भाई, तो प्रोग्राम को क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर अप्लाई कर रहा है भाई, ये प्रेजेंटेशन को अप्लाई करके क्या करोगे, प्रोसेस हो गई आया, फिर इसको क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना, इसी को कहते हैं हम स्टोरेज को ही कहते हैं हम डेटा बेस्ड ईयर। लो भाई इतने सिंपल से शब्दों में ना आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितने सिंपल शब्दों में मैंने समझाया, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो इसी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके तुरंत बताना, अदरवाइज जो है आपको आपके लिए मैं जो है वैसे भी रखूंगा क्वालिफिकेशन और सारी बात करूंगा। अब एक और क्लासिफिकेशन क्या बताया था मैंने, ओनरशिप के ऊपर। ओनरशिप के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या दिया था, एग्जाम्पल पब्लिक, प्राइवेट और वर्चुअल, ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी यूज़ कर ले, प्राइवेट का मतलब कि जिसको जिसको आपने सिक्योरिटी कह रखी है कि भाई ये देखेगा वो यूज़ करे, और VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि भाई इन पब्लिक जो है आपका, पब्लिक का प्रोफाइल में ऑप्शन था पब्लिक का, इसी पब्लिक को आप प्राइवेटली यूज़ कर रहे हो, प्राइवेटली अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, इसी को कहते हैं आप वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। अब प्राइवेट नेटवर्क ना इसमें थोड़ा सा लोचा है, प्राइवेट नेटवर्क में दो तरह के होते हैं, एक एक्स्ट्रा नेट होता है और एक होता है इंटरनेट, इसके बारे में आप खुद पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मुझे। इस पार्ट में बात करने वाले हैं हम नेटवर्क कंप्यूटिंग के बारे में, और जो है इसको जैसा कि मेरा सबसे पहले सिंपल सा मतलब होता है कि भाई सबसे पहले आपको बताओ कि ये चीज़ है क्या, फिर आपको उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, तो नेटवर्क आपको मैंने क्या बताया था, क्या बताया था भाई कि जो है ये होता है दो लोगों के बीच में जो हम जुड़ाव करते हैं, लगाव करते हैं, उसी को कहते हैं नेटवर्क। अब जो है एग्जाम्पल हो आप कि जो है आप एक दूसरे से बना रहे हो फेसबुक के थ्रू, और चलो पूरा मैं ना आपको ऐसा सिखाऊंगा, आपकी ज़िंदगी भर आप यूज़ करते आ रहे हो, बस आपको टर्म्स नहीं पता है, और मैं आपको वही टर्म्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक पे आ रहे हो आप किसी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हो, ये है भाई बंदा, आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हो, दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बंदा म्यूचुअल फ्रेंड होगा या तो नो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे इसके साथ, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड हुए तो कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, मतलब कि आप बहुत सारे लोग एक, मतलब कि क्या हो गया म्यूचुअल फ्रेंड के साथ, क्या हो गया कि जब कंप्यूटिंग होगी आप बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ रहे हो,
एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोग एक साथ जुड़ रहे हो, ठीक है, ये हो गई आपकी सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। और नो फ्रेंड हुआ, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, एक बंदा अलग अलग है, मतलब कोई फ्रेंड ही नहीं है भाई, इसका कोई फ्रेंड नहीं था और अब जो है हो सकता है फ्रेंड बन जाए, मतलब वो अगर एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट तो फ्रेंड बनोगे, अदरवाइज नहीं। म्यूचुअल फ्रेंड है तो जो है फ्रेंड बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको समझा दिया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग क्या होती है। अब चलो आपको बताते हैं कंप्यूटर की भाषा में कि सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग क्या होती है। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, तो जो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक सेंटर पे कुछ होता है, कुछ अभी आपको कुछ बताते हैं, सेंटर इसके चारों तरफ सारे लोग जुड़े होते हैं, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। मतलब आप कंप्यूटर की भाषा में देखें तो क्या होता है कि भाई एक लोकेशन होती है सेंट्रल लोकेशन, टर्मिनल और सारी चीज़ें, उसी के अराउंड सारी चीज़ें जुड़े होते हैं, ये ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं उनको, और जो ये सारे चीज़ जुड़े होते हैं उनको कहते हैं नोड्स। अब जो है ना सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में जुड़ने का बहुत सारा तरीका है इसका अपना। अब इसी चीज़ को कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। आप कैसे कैसे जुड़ सकते हो, आप इसको जो है या तो एक बीच में हो और फिर उससे सब लोग एक रिंग के फॉर्म में जुड़ो, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में अगर जुड़ रहे हो तो उसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। फिर एक होती है स्टार टोपोलॉजी, उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम चीज़ ही होती है, बस ये लोग अलग अलग जुड़ रहे होते हैं, मतलब इनके और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनके इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। इसमें क्या था कि जो ये दो नोड थे, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या था, कनेक्शन था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या है, ये था रिंग, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसी को बीच से काट दिया और इसको काटने के बाद ऐसे फैला दिया, सेम चीज़ हो गई बस टोपोलॉजी। मैस टोपोलॉजी क्या होती है, मैस से क्या मतलब है कि खिचड़ी पकी हुई है। खिचड़ी कैसे पकी हुई है कि भाई ये सारे जो ये नोड हैं, ये इनके बीच में पता नहीं ऐसे 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 बहुत सारा कनेक्शन है, ये होता है मैस टोपोलॉजी। अब इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ लेना। तो अपना ख़त्म हो गया फिर से क्या, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग।